अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। डीवी, जिसका आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज 3.9 की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग थॉमस कैलकुलस के इस एक्सरसाइज 3.9 के क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन लेक्चर्स का लिंक देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज के लेक्चर में इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व करूंगा। आज के लेक्चर में जो हमारे पास बेसिकली टॉपिक है वो है डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर हम लोग जो है ना वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आप लेक्चर को आखिर तक देखना है। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वीडियो लेकर आता हूं आपको मिले उसका नोटिफिकेशन। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है y which is equal to x cube minus 3 into square root x dy, आपने यहाँ पे फाइंड करना है। तो डिफरेंशियल फॉर्म बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कौन से होते हैं, dy हम लोगों ने फाइंड करना, तो ये बेसिकली डिफरेंशियल फॉर्म होगी dy which is equal to f prime of x, और साथ आएगा जी आपके पास dx। ये होती है हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म। आप देखें हमने इसका डेरिवेटिव लिया, डिफरेंशियल तो निकाला, लेकिन यहाँ पे उसने किसी की रिस्पेक्ट से नहीं हमें दिया, हमें उसने ये निकाला हुआ कि dy निकाले x की रिस्पेक्ट से, यानी कि dy ओवर dx नहीं निकालना, सिर्फ हमें डिफरेंशियल ऑफ y निकालना है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग जो है ना स्टार्ट करेंगे, देखेंगे तो आपको सारी की सारी समझ आ जाएगी कि बेसिकली हमने क्या करना है। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पे एक्स है, मैंने एक्स का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो मैं जब इसका डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे पास ये dx आएगा, मेरे पास ये 1 नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास x का डेरिवेटिव 1 उस वक्त आएगा जब मैं इसका डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से ही लूंगा। ठीक है, तब मेरे पास इसका डेरिवेटिव 1 आता है, लेकिन अगर मैं इसका डिफरेंशियल ले रहा हूं तो फिर मेरे पास x का डेरिवेटिव dx आता है, फिर 1 नहीं आता। ये बात ध्यान में रखिए, बात करते हैं, बात क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको सारी सारी यहाँ पे समझ आएगी। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव लेके चेक करते हैं। यहाँ पे ये बन जाएगा जो आपके पास dy, इसका डिफरेंशियल लेंगे हम लोग, तो इसका आपके पास डेरिवेटिव क्या बनेगा, यहाँ पे इसको पहले लिखते हैं d into x cube minus, यहाँ पे 3 को पहले कांस्टेंट पहले लिख ले, d into square root x यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि मैं इसका डिफरेंशियल लेने लगा हूं। तो कैसे लेंगे, dy which is equal to इसका डिफरेंशियल लेंगे, यहाँ पे आपके पास लगेगा पावर रूट, तो पावर रूट में 3 आ जाएगा पीछे, और x की पावर में एक माइनस करेंगे x स्क्वायर बन जाएगा। अब दोबारा से x का मैंने डेरिवेटिव लिया, तो x का डेरिवेटिव यहाँ पे dx होगा, 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल ले रहे हैं, 1 उस वक्त होता है जब हम x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल ले रहे हैं, यहाँ पे इसका x का डेरिवेटिव dx होना 1 नहीं होगा, माइनस 3 आपके पास वैसे का वैसे आ जाएगा, x की पावर में 1 ओवर 2 है तो पावर लगेगा 1 ओवर 2 आ जाएगा पीछे, और इसकी पावर में एक माइनस करेंगे तो बन जाएगा x की पावर माइनस 1/2, दोबारा से इस x का डेरिवेटिव लेंगे तो बनेगा dx। ओके हो गया जी, आप देखें जी, अब हमारे पास यहाँ पे क्या बनने जा रहे हैं, dy which is equal to, ये बनेगा जी हमारे पास 3x square dx, ये हमारे पास क्या बनेगा माइनस 3 ओवर 2, इसको भी नीचे ले जाएं तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और ये आपके पास है जी dx। अब यहाँ पे भी dx मौजूद है, यहाँ पे भी dx मौजूद है, आप लोग dx को ले सकते हैं कॉमन, तो फाइनल आंसर आपके पास फिर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स, और ये जी आपके पास dx, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। इस तरह से हमने क्वेश्चन करने हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है y which is equal to x into square root 1 minus x square। तो सबसे पहले हम इस तरह कर लेते हैं, इसका square root यहां से कर लेते हैं खत्म, हमारे लिए जो है उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x into 1 minus x square, square root को खत्म करेंगे तो उसकी पावर में आ जाएगा 1/2। अब दोनों हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। अब ये सारे सारे रूल्स मैंने अपलोड किए हुए हैं कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है, आपके पास कोशेंट रूल क्या होता है, आपके पास पावर रूल क्या होता है, आपके पास और भी होता है कोशेंट रूल, पावर रूल, एल्हापिटल रूल, ये सारे रूल्स मैंने जो है अपलोड किए हुए, अगर आप लोग देखना चाहते हैं स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, लिंक उसका मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आई बटन पे भी जाकर मे भी आपको शो हो रहा हो, जाकर लाजम चेक कीजिए, डेरिवेटिव्स के हवाले से इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनको लाजम जाके पढ़ें, सीखें, उसके बाद जो है इसकी तरफ आते हैं। प्रोडक्ट रूल यहाँ पे हमने बेसिकली लगाना है। ठीक है जी, अब प्रोडक्ट रूल बेसिकली हम लोग कैसे लगाते हैं, इसका लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास डिफरेंशियल ऑफ वाई डी वाई विच इज इक्वल टू, पहले एक्स आप लोग वैसे का वैसे आ जाएगा, फिर डी ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 1/2, फिर हम लोग लिखते हैं प्लस, फिर आप लोग इसको वैसे का वैसे लिखते हैं दूसरी टर्म को 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, फिर आप लोग डिफरेंशियल लेते हैं फर्स्ट टर्म का। ये होता है हमारे पास बेसिकली प्रोडक्ट रूल। अब हम लोग ये एक्स हो वैसे का वैसे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये आएगा जी डी वाई विच इज इक्वल टू एक्स, हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे लगेगा पावर रूल, पावर रूल में 1/2 पीछे आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा पीछे, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में 1/2 में एक और माइनस करेंगे तो ये बनेगा जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 बन जाएगा, इसकी पावर में कोई माइनस करेंगे माइनस 1/2 बन जाएगा। अब इस टर्म का हमने दोबारा से अगेन डेरिवेटिव लेना है, 1 का डेरिवेटिव 0
तो माइनस इसका डेरिवेटिव होगा जी माइनस टू एक्स, यहां पर पावर लगेगा ना माइनस टू एक्स, और साथ आ जाएगा डी एक्स, माइनस टू एक्स साथ आ जाएगा डी एक्स, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है जी प्लस इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर में हमारे पास वन बाई टू है और साथ यहाँ पे डी एक्स है। तो डी वाई हमारे पास नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास यहाँ पे क्या बनने जा रहा है, इसको आप लोग नीचे लिख लें सबसे पहले, हाँ इसको नीचे लिख लें, ये बनेगा जी आपके पास एक्स ओवर यहाँ पे टू है, इसको लिखेंगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे जी आपके पास माइनस टू एक्स डी एक्स प्लस इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाय टू, साथ आपके पास यहाँ पे डी एक्स है। अब देखिए यहाँ पे क्या होने जा रहा है, ये टू है तो ये टू टू के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो टू को टू से करते कैंसिल, तो ये बनेगा डी वाई विच इज इक्वल टू, ये माइनस है एक्स स्क्वायर है साथ आपके पास डी एक्स, डिनोमिनेटर में जो आपके पास वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस, इसको भी आप लोग स्क्वायर रूट की फॉर्म लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट की फॉर्म लिख लें, साथ आपके पास डी एक्स। अब क्या कर सकते हैं आप लोग, डी वाई विच इज इक्वल टू सेंटर में प्लस है तो यहाँ पे आप लोग एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, एलसीएम लेते हैं तो जी हमारे पास यही है इसका वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास एलसीएम में आएगा, ये इसे कैंसिल होगा तो ऊपर बचेगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा जी वन माइनस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे रह जाएगा, तो डी वाई विच इज इक्वल टू, अब देखें जी ये डी एक्स भी है सॉरी यहाँ पे, तो डी एक्स भी यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, ठीक हो गया जी। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, ओब्वियसली आप लोग यहाँ से डी एक्स को ले सकते हैं कॉमन, ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे बेहतर है, इसको आप डी एक्स को लेते हैं कॉमन, तो मैं डी एक्स को कॉमन लेता हूँ, ये बचेगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, अब माइनस एक्स स्क्वायर तो सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा जी आपके पास वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ गया जी वन माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, साथ आ जाएगा जी डी एक्स, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, कहता है y which is equal to x over 1 plus x square, obviously ये बटे की फॉर्म में डिवाइड की शक्ल में है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे क्वोशेंट रूल, अब क्वोशेंट रूल क्या होता है अप्लाई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, हमारे पास है जी इसका डिफरेंशियल लेते हैं डी वाई विच इज इक्वल टू, अब क्वोशेंट रूल में क्या होता है जी जो आपके पास डिनोमिनेटर में है उसका आप लोग स्केयर लेते हैं वन प्लस एक्स स्केयर, इसका होगा स्केयर आ जाएगा ऊपर जाना वो वन प्लस एक्स स्केयर वैसे का वैसे आएगा, फिर आप लोग ना वो डेरिवेटिव डिफरेंशियल लेंगे ऊपर वाले टर्म का 2x का, फिर माइनस लिखते हैं, फिर ऊपर वाले टर्म वैसे का वैसे लिखते हैं, फिर आप लोग डिफरेंशियल लेते हैं नीचे वाले टर्म का 1 प्लस एक्स के, ये हमारे पास होता है बेसिकली क्वेश्चन रूल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बनने जा रहा है डी वाई विच इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स के, तो यहाँ पे वैसे का वैसे आएगा, अब इसका डिफरेंशियल लेते हैं तो 2 तो आपके पास जो है ना वो कॉन्स्टेंट, इसका 2 वैसे का वैसे आएगा, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, तो पहले तो आपके पास आएगा इसका 2x और फिर आप एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो सॉरी 2 और साथ आपके पास dx आएगा, यहाँ dx हो जाएगा, उसके बाद माइनस आपके पास 2x वैसे का वैसे आ जाएगा, डिफरेंशियल आप 1 आपके पास जीरो होगा और x स्क्वायर का यहाँ पे बनेगा 2x और फिर x का लेंगे तो वो बनेगा जी आपके पास dx और डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे क्या आने जा रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आपके पास आ जाएगा होल स्क्वायर। तो उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या बनने जा रहा है डी वाई विच इज इक्वल टू, अब आप लोग अगर चाहें तो उसको अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं 2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा साथ आपके पास डी एक्स, उसके बाद है जी माइनस फोर एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा आपके पास वन प्लस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आप लोग चाहे तो मजीद इसको डी एक्स को मजीद ओपन यहां से कर सकते हैं ताकि बाद में आप लोग कॉमन ले लें, ये बनेगा टू डी एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर डी एक्स, डिनोमिनेटर में वन प्लस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर आ जाएगा। अजान सुनने फिर बात करते हैं, माइनस करें तो फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा, उसमें डीएक्स कॉमन लें, क्वेश्चन नंबर 19 का जो लास्ट एक ही स्टेप रह चुका था वो आप लोग कर लें, मोबाइल के कुछ इशू की वजह से वो नहीं रिकॉर्ड हो सकी। तो बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 भी मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है y which is equal to 2 into square root x over 3 into 1 plus square root x, यहां पे उसने आपको दिया हुआ है। अब ऑब्वियसली ये उसने आपको जो है वो डिवाइड की फॉर्म में दिया हो, बटे की शक्ल में दिया हो, तो ऑब्वियसली यहां पे आप लोग लगाएंगे क्वोशेंट रूल, तो यहां पे मैंने क्वोशेंट रूल लगाया तो डी वाई विच इज इक्वल टू, यहां पे जी आपके पास नीचे वाली का स्केयर आ जाता है 3 इंटू 1 प्लस स्केयर रूट एक्स, इसका होल का स्केयर आ जाएगा, और ऊपर नीचे वाली जो है वो नीचे वाली टर्म वैसे के वैसे आती है, फिर डिफरेंशियल ऑफ ऊपर वाली टर्म का
माइनस, फिर ऊपर वाली टर्म वैसे के वैसे, फिर नीचे वाली टर्म का डिफरेंशियल आ जाता है। नेक्स्ट हम इसको मुझे सॉल्व करके चेक करते हैं, डी वाई विच इज इक्वल टू 3 × 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 तो वैसे का वैसे आएगा, ये बनेगी ये बेसिकली आपके पास एक्स की पावर में 1/2 है, तो पावर लगेगा तो 1/2 पीछे आ जाएगा, और एक्स की पावर में फिर एक माइनस करेंगे तो वो -1/2 बनेगा, और फिर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो बनेगा आपके पास डी एक्स माइनस, उसके बाद 2 × √x है, और इसका डिफरेंशियल लेंगे आपके पास तो 3 तो वैसे का वैसे आएगा, मान लो डेरिवेटिव 0 होता है तो उसको रहने दें, ये यहाँ पे आपको बेसिकली एक्स की पावर 1/2 है, तो उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 पीछे आ जाएगा, और फिर आप इसकी पावर में माइनस करेंगे वो बनेगा एक्स की पावर -1/2, तो उसको मैंने डायरेक्टली बटे में लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, मैंने लिख दिया और साथ मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। और बटे में मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर के अंदर 3 का स्केयर 9 होता है, और इसका स्केयर मैंने सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास डी वाई विच इज इक्वल टू 3 × 1 प्लस स्केयर रूट एक्स, 2 से कैंसिल, एक्स की पावर -1/2 डी एक्स माइनस ये वाला 2 × √x, 2 × √x से कैंसिल हो गया, 3 डी एक्स यहाँ पे बच चुका, और बटे में जी आपके पास 9 × 1 प्लस स्केयर रूट एक्स होल का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास डी एक्स विच इज इक्वल टू, अब मैंने कहा कि यहाँ पे भी डी एक्स मौजूद है, यहाँ पे भी डी एक्स मौजूद है, मैंने डी एक्स को ले लिया कॉमन, तो कॉमन लेता हूँ, ये बनेगा 3 × 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, एक्स पावर -1/2 -3 की dx बाय कॉमन आ चुका, बटे में वही चीज आ चुकी है dy व्हिच इज इक्वल टू, अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, और साथ आपके पास x की पावर -1/2 आ गया, उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखा, 3 इसको लिख सकता हूं x की पावर 1/2, और ये x की पावर -1/2 है, -3 बाहर आपके पास dx है। अब यहां पे आपके पास क्या बना, बेसिकली ये जो है ना वो आपके पास देखे यहाँ पे, ये x की पावर 1/2 और x की पावर -1/2 है, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 3, तो 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, तो यहाँ पे सिर्फ सिर्फ आपके पास रह जाएगा 3 x की पावर -1/2 रह जाएगा, तो ये x की पावर -1/2 में नीचे ले गया हूँ, यहाँ पे नीचे जाके बन गया मेरे पास स्क्वायर रूट x, 3 को 9 से कैंसिल किया तो 3 बार 9 होता है, तो यहाँ पे 3 रह गया, ऊपर से ये नीचे आया हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स, और नीचे हमारे पास ये बच गया 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर, साथ हमारे पास dx है, यही हमारे पास फाइनल आंसर था क्वेश्चन नंबर 20 का। तो दोबारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आती आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, अगर हैंड रिटन नोट्स बाय करना चाहते हैं तो हैंड रिटन नोट्स भी आप लोग बाय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल सेम है, नो डिफरेंस, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही है, इक्वेशन उसने मेक दी हुई है इसके अंदर, तो हमने जब इसमें डी वाई निकालना है तो क्या करेंगे, वही हम काम करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशियल लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास लगेगा ऑब्वियसली प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले एक्स वैसे के वैसे आ जाएगा, फिर डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर प्लस, फिर वाई स्क्वायर वैसे के वैसे आएगा, फिर डिफरेंशियल ऑफ एक्स, उसके बाद माइनस ये 4 वैसे का वैसे आ जाएगा, ये पावर लगेगा 3/2 आ जाएगा पीछे, x की पावर में 3/2 -1 करेंगे तो 1/2 बनेगा, और फिर x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो होता है आपके पास डी एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव होगा डी वाई विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास x, इसका डेरिवेटिव लिया, पावर लगेगा 2y और साथ आ गया डी वाई प्लस वाई स्क्वायर, और डी एक्स वैसे का वैसे आ गया माइनस, कैंसिल किया तो 3/2 / 6 x की पावर 1/2 डी एक्स माइनस डी वाई विच इज इक्वल टू 0। तो सिंपल है हमारे पास, नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास क्या है जी, 2xy dy, मैंने dy वाली सेपरेट कर ली, माइनस dy, मैंने dy वाली सेपरेट कर ली है, और dx वाली मैंने बराबर के इक्वल के उस साइड पे लेके चला गया, वो सेपरेट कर ली है, क्योंकि हमने dy निकालना है, तो dx वाली ये देखें, ये dx वाली है उधर जाके बन जाएगी 6x की पावर 1/2 dx माइनस, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा y2 dx। अब यहाँ पे भी dx dy मौजूद है, यहाँ पे भी dy मौजूद है, मैं dy लेता हूँ कॉमन, तो ये बना dxy -1 × dy विच इज इक्वल टू, यहाँ से भी dx कॉमन लिया तो 6x की पावर 1/2 -y² × dx। अब ये dy मैंने निकाला, dy इधर ही रहने दीजिए, ये चीज उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, 6x की पावर 1/2 -y² / 2xy - 1, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। पूरी कोशिश की है कि एवरीथिंग आपको क्लियर समझ आए, इजी स्टेप्स के साथ आपको समझाया, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होती है सब्सक्राइब किए अगर मत जाकर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर किया करें, और अगर आप लोगों को क्यूरी होती है, कोई मसला होता है, अगर नोट्स वगैरह बाय करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन करें, अपना भी ख्याल रखें, चैनल का भी ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।